अब्रार फैशन फैब्रिक्स मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम रेमंड्स रीड एंड टेलर सियाराम और डिक जैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी डिजाइनर सूट्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल ए 18 तेलंगाना न्यूज के खास खबरनामे पर। आज 16 अक्टूबर हफ्ता यानी सैटरडे का दिन है। आए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पर लीटर 3 रुपये इजाफा किया गया सिर्फ 15 दिन में। अक्टूबर के महीने में 10 मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। हफ्ते के दिन से हैदराबाद में पेट्रोल 109 रुपये पर लीटर मिल रहा है और डीजल 102 रुपये मिल रहा है। वाज रहे इससे पहले अक्टूबर पहली तारीख को पेट्रोल पर लीटर 106 रुपये मिल रहा था, इजाफा होकर 109 रुपये में मिल रहा है और डीजल 98 रुपये में मिल रहा था, इजाफा होकर 102 रुपये हो गया है। इस तरह से कीमतों में इजाफा इंटरनेशनल ऑयल में भी इजाफा करेगा। आने वाले अक्टूबर 17 तारीख को 1 शाम 4 मीनार के नाम प्रोग्राम में इतवार के दिन आवाम की सहूलत के लिए संडे 3 बजे से रात 10 बजे तक हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तय किया कि 4 मीनार के अतराफ व अकनाफ ट्रैफिक हटाई जाएगी। जो ट्रैफिक अफजलगंज मदीना से आ रही है वो गुलजार हाउस से मिट्टी का शेर और काली कमान एतबार चौक से जाना होगा और जो गाड़ियाँ फलकनुमा से आ रही हैं उन्हें हिम्मतपुरा से पंच मोहल्ला चार मीनार शाह फंक्शन हॉल मोगलपुरा फायर स्टेशन रोड बीबी बाजार की तरफ भेजा जाएगा और जो ट्रैफिक बीबी बाजार मोगलपुरा वाटर टैंक से आ रही हैं हाफिज दंगा मस्जिद से आ रही हैं उन्हें सदर महल कोटला अलीजा एतबार चौक की तरफ भेजा जाएगा। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है उनका कहना है आने वाले 3 दिन तक तेज़ तूफानी बारिश जारी रहेगी। साथ ही तेलंगाना के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, आदिलाबाद निर्मल और कुमाराम भीम के लिए। हैदराबाद में सैलाब जैसे नज़ारे देखने मिले कुछ मिनटों की बारिश में। हैदराबाद के हालात पिछले साल से और ख़राब होते जा रहे हैं। दो शख्स जो गैर कानूनी तरीके से 300 किलो गांजा विशाखापट्टनम से अहमदनगर महाराष्ट्र स्मगल कर रहे थे लॉरी के जरिए उन्हें पकड़ा गया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की जानिब से मुसराम बाग पर सुबह के वक्त हफ्ते के दिन आज पुलिस का कहना है 300 किलो गांजा जब्त किया गया जिसकी कीमत 30 लाख रुपये है। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अजय कुमार IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि विलास बाहू साहेब दोखानी जो ड्राइवर है और दयानेश्वर मोहिते जो विलास का साथी है इस गैर कानूनी काम के लिए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग का ताल्लुक महाराष्ट्र से था। दोनों मिलकर खाली DCM वैन में सब्जी ट्रे खाली रखते हुए दिखावे के लिए नाका पल्लू विजाक में 300 किलो गांजा लोड किए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैदराबाद पर जुम्मे के दिन एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 49,999 खतरी रियाल जब्त किए जो 10 लाख रुपए होते हैं। उस शख्स का नाम मंसूर बिन ओमर था जो बारकस का रहने वाला था। फॉरेन करेंसी उसके पास से जब्त कर ली गई CISF की जानिब से। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है। साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है। 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है। स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक आसिफ नगर।